एक तरफ भाजपा सरकार ये कहती है कि हम अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी धरपकड़ कर रहे हैं, उनके घरों को घिराया जा रहा है, तो दूसरी तरफ एक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो जो पुलिस की कस्टडी से छूटकर भाग गया था और कहीं ना कहीं उसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्वमेंट थे उसको भगाने में, उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री विधायकों का उनको संरक्षण प्राप्त है, सरकार का पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त है। इसको लेके हम लोगों ने एक जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में डाली थी जिसको CGI ने, चीफ जस्टिस ने उसको स्वीकार किया। उस पर अभी हाल फिलहाल में CGI ने एक ऑर्डर करा है और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को तलब किया है और बड़ी नाराजगी जताई है कि इतना बड़ा अपराधी जो कुख्यात अपराधी है वो अभी तक क्यों नहीं पुलिस की में पकड़ में आया है। कहीं ना कहीं उनके उन्होंने ऑर्डर में स्पष्ट कहा है कहीं ना कहीं आप लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, राजनीतिक उसको संरक्षण प्राप्त है, वो लगातार सोशल मीडिया पर अपडेट है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की एक लापरवाही है और स्पष्ट हो चुका है कि सरकार का उसको पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त है। इसको लेके हम लोगों ने देश के जो गृह मंत्री हैं उनको भी एक चिट्ठी लिखी थी, राज्यपाल को भी चिट्ठी लिखी थी कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अब मुझे लगता है कि जो योगी जी जो ये कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि मैं अपराधियों को पूरे उत्तर प्रदेश को मुक्त कर दूंगा, अपराधियों से मुक्त कर दूंगा, वो एक पूरा उनका ढकोसला है, एक लॉलीपॉप है, चुनावी लॉलीपॉप है, जनता जान चुकी है और ये सबके सामने आ चुका है कि कैसे। आप देखिए विकास दुबे की जो हत्या हुई थी और विकास दुबे किन लोगों के संरक्षण में अपनी अपनी उसको फलीभूत कर रहा था। अब कब बुलाया उन्होंने, इसमें 23 नवंबर की आने वाले जो 23 नवंबर है उसमें पर्सनली प्रमुख सचिव गृह को अपना काउंटर एफिडेविट देना होगा और उनसे जवाब तलब किया गया है कि क्यों इतना बड़ा कुख्यात अपराधी, इतनी बड़ी जो बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े top 10 अपराधियों में है, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से क्यों बाहर है और कस्टडी से वो छूट कर भाग गया। कहीं ना कहीं लापरवाही है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कितने का इनाम है बद्दो पर? अभी 2.5 लाख रुपए का इनाम है और हम लोगों ने मांग करी है उसके इनाम की धनराशि बढ़ाई जाए और उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाए जिन लोगों को संरक्षण है। इसकी एक हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में यही प्रार्थना करी है कि साहब इसकी जो पुलिस है वो इसमें स्पष्ट रूप से और निष्पक्ष रूप से जाँच नहीं कर पाएगी, आप इसमें निष्पक्षता से जाँच करने के लिए जुडिशियल इंक्वायरी अपडेट कर दीजिए, CBI करा दीजिए कि किन लोगों की वजह से बदन सिंह बद्दो भागा है, वो लोग कौन हैं, उन लोगों के भी चेहरे देश की और प्रदेश की जनता के सामने आने चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए।